write the electronic configuration of atom, aufbau principle के according to अपने electronic विन्यास बढ़ते हैं. इसका statement यह है कि in the ground state of the atoms, the orbital are filled in order of their increasing energies. इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा और उसको भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरता है. तो आज हम आपको एक टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन भरना बहुत आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले इसके लिए ये न्यूक्लियस n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट इन कक्षा, n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 4. तो n इज इक्वल टू 1 कक्षा में एक सबसेल होगी s, n इज इक्वल टू 2 में 2 सबसेल होगी s एंड p, n इज इक्वल टू 3 में 3 सबसेल s, p एंड d, और n इज इक्वल टू 4 में 4 सबसेल s, p, d, f. इसी तरह n इज इक्वल टू 5 में n इज इक्वल टू 5 तो 5 सबसेल होगी s, p, d, f एंड g एंड सो ऑन. अब सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, इसके लिए इस s को आप 1 कह दें. n इज इक्वल टू 2 तो इसे 2s एंड 2p कहें, इसका अर्थ p की स्टार्टिंग है वो 2 से होगी. n इज इक्वल टू 3, 3s, 3p, 3d, तो d की स्टार्टिंग होती है या शुरुआत होती है वो 3 से होता है. n इज इक्वल टू 4, 4s, 4p, 4d, 4f, n इज इक्वल टू 5, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g और इसी प्रकार. अब इसमें जो बात आपको याद रखनी है कि s की स्टार्टिंग 1 से हुई है, p की स्टार्टिंग 2 से, d की स्टार्टिंग 3 से है और f की स्टार्टिंग 4 है. तो अब हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं. सबसे पहले s, s लिखें, उसके बाद s एंड p, फिर s एंड p यानी टू टाइम्स, फिर s dp, s dp टू टाइम्स, और फिर s dp लेकिन यहां s के तुरंत बाद f, s f dp एंड s f dp. ऐसा करने के बाद अब s पर आपको 1 नंबर, क्योंकि s की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 1 से, 1 2 3 4 5 6 और 7. p की स्टार्टिंग करनी है 2 से, तो 2 3 4 5 6 7. d की स्टार्टिंग होगी 3 से यानी 3 4 5 6 और f की स्टार्टिंग 4 से, 4 एंड 5. तो ये अपना फार्मूला बनकर तैयार हो गया. s 1 टाइम होगा, sp sp 2 टाइम, sdp sdp, फिर sfdp sfdp. अब मान लीजिए अपने को हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन भरना है तो 1s होता है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में जाएगा तो 1s1.
हीलियम, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s 1s2 हो जाएगा, क्योंकि s की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो मैक्सिमम यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन s में आ सकते हैं 2, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 3 लिथियम, तो 1s में 2 और 2s में 1, यानी 1s2 एंड 2s1। 4 बेरिलियम, यहां पर 1s2 और 2s2, यानी 1s यहां नोट कर लें एंड 2s2। इसी प्रकार 20 कैल्शियम, तो 2 2 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2। इस तरह 1s2 से 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। 30 जिंक, तो 20 यहां तक हो गया और प्लस 10 कर दें 3d में, क्योंकि d कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन होती है। फोर एस टू 3d 10। इसी तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का भरना हो, ये फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करने के लिए पहले 1s में, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और अभी हम इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं एक ग्रुप पर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1, अगर इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो ये 3, इसमें 8 ऐड करें तो 11, फिर इसमें 8 ऐड करें तो 19, फिर 18 ऐड करें तो 37, फिर 18 ऐड करें तो 55, और फिर 32 ऐड करें तो ये हो जाएगा 87। इस तरह से ग्रुप को लिखें और उसके एटॉमिक नंबर को मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 के द्वारा एटॉमिक नंबर को आप कैलकुलेट कर लें। अब सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए 1s में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो 1s1। फिर 3 लिथियम के लिए 1s2 2s1 1s2 2s1। सोडियम के लिए 1s, फिर 2s, फिर 2p और फिर 3s, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। पोटेशियम के लिए जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन भरोगे तो 1s स्टार्ट होगा और लास्ट में 4s1। रुबिडियम के लिए स्टार्टिंग 1s2 और आप लगातार इसको फिलअप करते जाए, ऐसा करने पर फाइनली 5s1। सीजियम के लिए 1s2 स्टार्ट करें और 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p फिलअप कर दें
और 6s1 आ जाएगा लास्ट में। इसी तरह फ्रेंसियम के लिए भी आप फिलअप करें और लास्ट में 7s1, तो 1s2 स्टार्ट कर दें और फिर लास्ट में आ जाएगा 7s1। इस प्रकार आप ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। एक बार फॉर्मूला मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले S, फिर sp 2 टाइम्स लिखें, फिर sp लिखें और नई सबसेल d आ जाएगी, तो sdp 2 टाइम्स, फिर sdp लिखें और नई सेल f आ जाएगी, तो sfdp एंड sfdp। s की स्टार्टिंग 1 से करें, 1 से, p की स्टार्टिंग 2 से, d की स्टार्टिंग 3 से और f की स्टार्टिंग 4 से। थैंक यू। और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।